नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए महेश कुमार बनवाल का ये जो एनसीईआरटी बुक है सार संग्रह वो आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो जानिए बिहार धरोहर के लिए ये बुक जो है सार संग्रह एनसीईआरटी का जबरदस्त है। ये महेश कुमार बनवाल का है। ठीक है, इसमें देख रहे होंगे आप यहाँ पे 15 सीरीज है। ठीक है, ये कॉस्मोस एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है जो कक्षा 6 से लेकर 12th तक सहित दिया है। ठीक है, और इसमें जो सवाल रहेंगे वो वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। और ये जो अभी आने वाले जो बिहार दरोगा जो दिसंबर में बिहार दरोगा एग्जाम होने वाला है, ये अभी आप इसके लिए इसे अगर पढ़िएगा तो बहुत जबरदस्त साबित होगा। इसके अंदर की सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऐसा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए महेश कुमार बनवाल इसको भूमिका दिया हुआ है। ठीक है, ये सार संग्रह ये जबरदस्त बुक है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप हर एक चैप्टर आपको दिया हुआ है, जैसे कि भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है, भारत का भूगोल आप यहाँ देख रहे होंगे, विश्व का भूगोल इसमें हर एक चैप्टर बारीकी से दिया हुआ है। देखिए विश्व का भूगोल जो दिया हुआ है, ब्रह्मांड सौरमंडल, ठीक है दोस्तों, तो इसमें पर्यावरण दिया हुआ है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है, देख रहे होंगे इसमें हर एक चैप्टर से दिया हुआ है। इस बुक को आप अगर आपके पास नहीं है तो इसे खरीद कर आप जीके जी इसका जबरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इतिहास, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, खेलकूद, पुरस्कार एवं सम्मान, लास्ट में विविध रहता है, ये आपको पता होगा। ये विविध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें हर एक चैप्टर दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके अंदर जो सवाल रहेगा वो मैं दिखाता हूँ। तो देखिए भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इसमें आप देख रहे होंगे एक एक सवाल जो है जबरदस्त तरीके से दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप देख रहे होंगे, ठीक है, मैं इसको जबरदस्त पढ़ता हूँ। देखिए ये जो अभी ये जो बुक है ये बिहार दरोगा के लिए जो अभी आने वाला एग्जाम है उसके लिए जबरदस्त साबित होगा। इसको आप खरीदिए अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास है तो इसको पढ़िए और तैयार कीजिए अपने आप को। ठीक है दोस्तों, ये आपके बिहार दरोगा के लिए जबरदस्त साबित होगा। इसमें हर एक चैप्टर दिया हुआ है, आप भारत का मानचित्र देख ले या फिर कुछ और देख ले, जैसे देखिए ये भारत का मानचित्र, इसमें क्या है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इसमें हर एक टॉपिक को एक दिया, जैसे कि देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे उत्तराखंड में क्या क्या है, जिम कार्ब नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसमें हर एक टॉपिक डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, इस बुक से पढ़िए आपको जबरदस्त लगेगा ये बुक। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप समझ गए ये कैसा बुक है, इसमें हर एक चैप्टर आपको डिटेल से दिया हुआ है, एक एक टॉपिक। ठीक है, जैसा कि हम आपको बताया था वन लाइनर सवाल रहेगा तो वन लाइनर ही सवाल है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।